सो हाय गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे कोड फोर्सेस डिवीजन 3 का प्रॉब्लम नंबर सेकंड, दैट इज टू अरेज एंड स्वैप्स। देखते हैं इस प्रॉब्लम में क्या है। इस प्रॉब्लम में हमें दो अरेज गिवन है, ए एंड बी। उस वो एन लेंथ की अरे है और उसमें पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ग्रेटर देन जीरो, एंड उसमें हम के स्वैप कर सकते हैं, मतलब बी अरे से हम ए अरे में स्वैप कर सकते हैं नंबर्स को। और हमें क्या करना है, उस अरे ए के अंदर हमें उसका सम जो है वो मैक्सिमाइज करना है, लेकिन जो स्वैप्स हैं वो एटमोस्ट के हो सकते हैं फ्रॉम बी टू ए, एंड द सम शुड बी मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमम सम निकालना है हमें उस अरे ए का। हमारे पास जो कंस्ट्रेंट्स गिवन है वो हैं, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट केसेस जो है वो 200 हो सकते हैं, और एन और के की वैल्यू जो है वो 30 तक लाई कर सकती है। तो टेस्ट केसेस जो है वो बहुत लो हैं, और इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, लेट अस लुक एट द गोल। सो गोल क्या है हमारे पास, टू मैक्सिमाइज द सम इन द अरे, मतलब सारे एलिमेंट्स का सम हमें मैक्सिमाइज करना है, ये हमारा गोल है। तो इंट्यूशन क्या है हमारे इस प्रॉब्लम का, कि हमें एटमोस्ट के मूव्स में स्वैप करना है। तो हम ग्रीडली इस प्रॉब्लम को सोचेंगे, हम ये सोचेंगे कि हमें फर्स्ट अरे से ऐसा मिनिमम एलिमेंट उठाना है और सेकंड अरे से मैक्सिमम एलिमेंट्स उसे स्वैप करना है। सो ये हमारा गोल होगा इस प्रॉब्लम का, और यही हमारा इंट्यूशन होगा कि हमें मिनिमम एलिमेंट जो है अरे ए का वो लेना है, और हमें मैक्सिमम एलिमेंट जो है अरे बी का उससे स्वैप करना है। अब लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मिनिमम एलिमेंट है अरे ए का वो जो मैक्सिमम एलिमेंट है अरे बी का उससे छोटा ही हो, क्या पता वो उससे बड़ा भी हो सकता है। सो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि अगर ये एलिमेंट ए का जो एलिमेंट है वो स्मॉलर है एलिमेंट बी के मैक्सिमम एलिमेंट से, तभी हम इसको स्वैप करेंगे, नहीं तो हम उसे स्वैप नहीं करेंगे। सो एक बार एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम इसे। लेट अस सपोज हमारे पास एन की वैल्यू है 5 और हमारे पास के की वैल्यू है 3, मतलब एटमोस्ट हम 3 स्वैप कर सकते हैं, और हमारे पास टोटल एलिमेंट्स है 5, अरे ए ये है अरे बी ये है। सो हम क्या करेंगे, पहले दोनों अरे को सॉर्ट कर लेंगे। फर्स्ट वाले अरे को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, एंड सेकंड वाले अरे को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहले यहाँ पे सारे सेकंड अरे में हमारे बी वाली अरे में हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट्स जो है वो पहले आ जाएंगे, और ए वाली अरे में मिनिमम एलिमेंट्स जो है वो पहले आ जाएंगे। अब हम देखेंगे सॉर्ट करने के बाद हमारे पास अरे कुछ ऐसे दिखेगा। अब हम चेक करेंगे कि अगर अरे ए की एट दिस वैल्यू, जो मतलब जहाँ से हम ट्रैवर्स करना चालू कर रहे हैं, वो उसकी बी की वैल्यू से जहाँ पे अभी बी का इंडेक्स है वो उससे कम है, तो ही हम स्वैप करेंगे। जैसे 1 जो है वो 10 से छोटा है तो हम इसको स्वैप कर देंगे। सिमिलरली 2 जो है वो 10 से छोटा है तो इसको हम स्वैप कर देंगे। सिमिलरली 3 जो है वो 10 से छोटा है तो हम इसे स्वैप कर देंगे। सिमिलरली 4 जो है वो 9 से छोटा है, बट हमारे पास k की वैल्यू क्या थी, 3। सो यहाँ पे ऑल द पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो सारी एंड हो चुकी हैं, और हमने स्वैप्स ले लिए हैं। तो हमारे पास फाइनल अरे जो बनेगी वो बनेगी 10, 10, 10, 4 and 5, और उसका सम जो होगा वो क्या हो जाएगा, 39 आफ्टर स्वैपिंग। सो ये हमारा एक एग्जाम्पल था। अब इसको हम कोड करते हैं। सो कोड करने के लिए फर्स्ट तो हमारे पास टेस्ट केसेस हैं, उन टेस्ट केसेस का हमने इनपुट लिया। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं एन एन के, हमें दो अरेज बनानी है, तो हम अरे डायनामिकली बना लेंगे। हमने डायनामिक अरे बना ली है, अब हम उनका इनपुट ले लेंगे। हमने दोनों अरे का इनपुट भी ले लिया है। अब हमें यह करना है जैसा कि इंट्यूशन में था कि हमें सॉर्ट करना है इसको। फर्स्ट वाली अरे को हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई, और सेकंड वाली अरे को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने के लिए हमें एक सिंपल फंक्शन लिखना पड़ेगा, दैट इज ग्रेटर इंट। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गई। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जिनकी वैल्यू ए में उसकी वैल्यू कम हो और बी में वैल्यू ज़्यादा हो, और हमें उसे स्वैप करना है। तो एक काम करते हैं, हम दो इंडिसेस रख लेते हैं, दो पॉइंटर्स रख लेते हैं, इंट जे ऑल्सो इक्वल्स टू 0, और एक वैल्यू रख लेते हैं जो टेम्प, जो कि हमें पता लगेगा कि टेम्प की वैल्यू जैसे ही के इक्वल होगी तो हम वहाँ पर लूप से ब्रेक हो जाएंगे और हम अपना आंसर प्रिंट कर देंगे। सो फर्स्ट हम वाइल लूप लगाएंगे, मतलब i और j की वैल्यू ऑलमोस्ट अरे के अंदर ही होनी चाहिए, तो इसलिए हमने कंडीशन लगा दी वाइल i इज़ लेस देन n एंड j इज़ लेस देन n, मतलब दोनों अरे से बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर
ए ऑफ आई इज़ लेस देन बी ऑफ जे है, मतलब अरे ए में जो वैल्यू है पर्टिकुलर आईथ पोजिशन वो बीथ पोजिशन की जेथ वैल्यू से लेस है, तो हम क्या करेंगे उसे स्वाप कर देंगे। आई में भी इंक्रीमेंट कर देंगे, जे में भी इंक्रीमेंट कर देंगे और टेम्प की वैल्यू भी इंक्रीमेंट कर देंगे। इससे पहले एक और कंडीशन लगा देते हैं कि इफ़ टेम्प इक्वल्स टू के, अगर टेम्प की वैल्यू के इक्वल है तो ब्रेक हो जाए लूप से, तब कोई स्वाप परफॉर्म नहीं होगा और वो लूप से ब्रेक हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ ए आई इज़ नॉट लेस देन बी जे, तो हम सिंपली क्या कर देंगे आई प्लस प्लस। सो ये हमारा लॉजिक हो गया। एंड एट लास्ट हमें क्या करना है, सम निकालना है पूरा अरे का, तो हम क्या करेंगे एक सम वेरिएबल इनिशिएट करके सम प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई, मतलब सारे सम में अरे की वैल्यू ए की वैल्यू हम ऐड कर देंगे। एंड एट लास्ट वील प्रिंट द सम। सो लेट्स रन ऑन द टेस्ट केसेस। ओके सो मैंने इनपुट ने लिया एन एन के का, यस सो दिस इज द आउटपुट दैट इज कमिंग 6 27 39 11 17। सो एक बार इसको सबमिट कर लेते हैं कोड फोर्सेस पे। लेट्स ट्राई टू सबमिट द कोड। थैंक यू एंड इट इज एक्सेप्टेड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।